ये रहा मेरा दूसरा पेंटिंग सी, कितना प्यारा। देखो 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 देखो, अभी भी थोड़ा सा इसमें भी काम बचा है, और फिर उसके बाद फिर वही कोट आपको इसमें डालना होगा, एक कोट में डाल दूँगी। लेकिन सीरियसली आप बता, पता नहीं मोबाइल में इतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये पूरा शीशा है गाइस, पूरा पूरा इतना शाइनिंग है ना। और सो गाइस, मैं आप सबके साथ एक रिव्यू, जब मैं ये बना रही थी तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा, क्या क्या फेस की, वो सब भी आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि जो बिगनर होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही होता है, अगर आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो या कुछ नया, ऑब्वियस वाली बात है कि जब आप कुछ नया ट्राई करते हो तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आता ही आता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है ना कि इसके बाद क्या और इसके बाद क्या। क्योंकि आप वीडियो देखते हो और आप प्रैक्टिकल उसे जीते हो, बहुत डिफरेंट होता है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि जितने भी मैंने वीडियो देखे सारे प्रोफेशनल लोग थे, उनका काम ही था रेजिन पेंटिंग बनाने का। तो मैं सारा, क्योंकि इंडिया में बहुत कम वीडियोज़ हैं मैंने देखा, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया कि वो लोग क्या कर रहे थे फ्रेंकली स्पीकिंग। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत सबसे मैंने आइडिया लिया, ऐसा नहीं कि मैं आइडिया नहीं लिया, लेकिन फिर भी वो उतना काम नहीं करता है। तो मैं आप सबको डीपली बताती हूँ कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था इस पेंटिंग को बनाने में। सो गाइज, आप ये दूर से देखो तो आपको बहुत परफेक्ट लग रहा होगा थोड़ा बहुत, और काफ़ी हद तक परफेक्ट है भी। आप देखो शीशा कितना प्यारा बना, मतलब मेरा मिरर इसके सामने आ रहा है, मिरर क्या, मेरा पिक्चर इस मिरर में आ रहा सी। तो ये पूरा स्मूथली बना, लेकिन फिर भी बहुत सारा प्रॉब्लम आया, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं आपको बता दूँ, ये जो स्टोन है ना काफ़ी हेवी है, मतलब 1.5 kg स्टोन है, तो लगभग मैं 1 kg स्टोन यहाँ पर और यहाँ पर लगाई। जब मैं यहाँ पर फर्स्ट बार इसे प्लेस की ना, तो ये क्या हो गया, दब गया, मतलब ये नीचे की ओर चला गया। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा आपका जो कैनवास जो आप यूज़ कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी की हो, थोड़ा ठोस हो, थोड़ा अच्छी वाली हो। लेकिन मैं ना अक्सर इसी कैनवास में ड्राइंग करती थी, तो मुझे समझ भी नहीं आता था, और ऑनलाइन बिल्कुल समझ भी नहीं आता है कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। क्योंकि प्राइजेस से मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम लो बजट का कैनवास खरीद के लाई, नहीं तो 1500 का जा रहा है, तो कोई छोटा मोटा प्राइस तो है नहीं गाइस। तो फिर भी आपको कोशिश करना होगा कि आप इधर भी एक पेंटिंग में लगाई हूँ, देखो ये काफ़ी ये है, लेकिन ये पतला वाला, इसमें ये नहीं बन सकता। आपको आप देख सकते इसका थिकनेस कितना ज़्यादा है सी, तो 1 inch का होगा लगभग। तो ये मैंने लिया था, लेकिन क्या हुआ ना, ये दब जाने के कारण जब भी मैं पेंट डाल रही थी ना तो यहाँ पर आके जमा हो जा रहा था, जब मैं रेजिन डाल रही थी ना तो यहाँ पर आकर जमा हो जा रहा था। उसे स्प्रेड करने में ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि प्रॉपर अच्छे से स्प्रेड हो, स्प्रेड होता है फिर मैं छोड़ देती थी इसे ड्राई होने के लिए, धीरे 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 ना यहाँ पर आकर आप देख सकते हो। वैसे मैंने काफ़ी हद तक इसे ठीक कर दी थी, लेकिन यहाँ पर इतना मोटा सा जम जा रहा था, और आप देख सकते हो सेम चीज़ इसमें भी है। इधर मैंने स्टोन किया, इधर स्टोन किया, तो इधर ब्लफ हुआ, लेकिन यहाँ पर जाकर ये थोड़ा सा अंदर चला गया, जिसके कारण मैं कैसे दिखाऊँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कैसा हो गया। क्योंकि यहाँ पर ना वो लिक्विड जो ऊपर आप एक कोट करते हो ना रेजिन का, तो ये प्रॉपर यहाँ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर डाल रही थी तो ये ऐसे 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 ऐसे, देखो तो यहाँ से धीरे धीरे आप देखो यहाँ कितने स्मूथ बनते जा रहा सी, यहाँ पर बिल्कुल आपको कहीं कुछ नहीं दिखेगा, और यहाँ पर आके यहाँ फिर से वो जमा हो गया था। तो ऐसा कुछ होता था जब मैं पेंट डालती थी,
तो फिर एक अगर गढ़ा कर रही हूँ तो वो एक जगह ठीक हो जा रहा है, वो स्प्रेड नहीं हो पा रहा प्रॉपर। अगर थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड अगर मैं कर रही हूँ तो पूरा दाएं बाएं आप देख सकते हो, यहाँ थोड़ा सा ख़राब भी हो गया। ये इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पर जाने का, पर मैं कुछ कर नहीं पा रही थी गाइस। वो तो मुझे क्या है ना, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज या पेंटिंग को लेकर तब जाकर ये मैं थोड़ा सा समझ पाई। तो मुझे अब समझ में आ गया कि मुझे कैसे और क्या करना, कैनवस कैसा लेना चाहिए या पेंट का जो थिकनेस होता है वो कितना मुझे रखना चाहिए और बहुत सारी चीज़। तो मुझे बेसिक नॉलेज होने के कारण मैं बहुत हद तक इसे उस जैसा आप देख सकते हो बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने किया है, हो कि आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। और ये आप भी यहाँ ध्यान रखना, अगर आप लोग कोई बनाते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना होता है, इतना इजी नहीं जितना आपको इजी ये लग रहा है। लेकिन जो भी है ओवरऑल, जब कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो मेरा अंत बहुत खूबसूरत हुआ है गाइस। और ठीक है, पहला है तो उसमें थोड़ा बहुत होगा ही होगा प्रॉब्लम, चलो कोई नहीं है। सो गाइस आज 14 फेब है और आज बसंत पंचमी है, तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और 14 फेब भी है तो ये कैसे भूल सकते हैं। तो आज पूरा दुनिया प्यार के रंग में रंगा हुआ है, मैं भी थोड़ा बहुत रंग ली हूँ, रेड लिपस्टिक और ईयरिंग्स पहनी, और ये क्योंकि सरस्वती पूजा थे तो मैंने कुर्ती पहन ली गई। तो यार यही था, और ब्लैक डे तो है ही, वो आप फील कर सकते हो, वो शहीद होते ताकि मैं ये सारा सेलिब्रेट कर सकूं, सारा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकूं, इसलिए वो लोग। तो जय हिंद, ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग, आई होप कि आपको मेरे ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज MS Real Blog। बाय, टेक केयर, अपना अपने का।